विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में निखरा रामगढ़ ताल यूं तो हर दिन सैलानियों से गुलजार रहता है, पर इस बार जश्न आज़ादी की शाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। बेहद खूबसूरत और रोमांचक पर्यटन के लुफ्त के साथ यहां ताल के लहरों संग देश प्रेम का ज्वार उमड़ता नजर आएगा। अवसर होगा तिरंगे के रंग में सराबोर 1,00,000 लोगों के एक साथ एक स्वर में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के गायन का। इस आयोजन के सूत्रधार गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह इसे पीएम मोदी और सीएम योगी की राष्ट्रीयता की प्रेरणा को समर्पित करते हैं। रामगढ़ ताल वह स्थान है जहां 5 वर्ष पहले तक लोग आने से कतराते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से हुए विकास और सौंदर्यीकरण के कार्यों से अब यह पर्यटन का प्रमुख केंद्र और नए गोरखपुर की नई पहचान बन गया है। ताल की खूबसूरती निहारने, सैर सपाटे और रोमांचक जल क्रीड़ाओं के लिए यह सैलानियों की सबसे खास पसंद बन चुका है। ऐसे समय में जब मोदी योगी सरकार आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, इससे रामगढ़ ताल को जोड़कर यादगार आयोजन की पहल की है गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA ने। GDA के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस की शाम 6 बजे रामगढ़ ताल क्षेत्र में 1,00,000 लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर वंदे मातरम और जनगण मन का सामूहिक गान कर गोरखपुर का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा देंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था सुगम रहे इसे लेकर यातायात पुलिस भी प्रबंधन में जुट गई है। GDA के पार्किंग क्षेत्र में इस खास अवसर पर पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। 1,00,000 लोगों की सहभागिता वाले इस आयोजन में गोरखपुर जिले के सभी सांसदों व विधायकों को आमंत्रित किया गया है। सबने सहमति दे दी है। सांसद रवि किशन इस दिन लंदन में होंगे, उसके चलते वहीं से वर्चुअल जुड़ेंगे। आयोजन में युवाओं की सर्वाधिक भागीदारी होगी, इसके लिए विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज समेत तमाम स्कूल कॉलेजों को आमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। सभी से यह निवेदन किया गया है कि वे अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज लेकर आए। हालांकि किसी कारणवश तिरंगा लाने से चूक गए लोगों के लिए 50,000 राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था GDA की तरफ से की गई है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन भले ही शाम 6 बजे होगा, लेकिन इस दौरान रामगढ़ ताल क्षेत्र में लगे इनबिल्ट साउंड सिस्टम वाले पोलो पर दिन भर देशभक्ति के गीत लोगों में जोश भरते रहेंगे। आयोजन को भव्य बनाने के लिए रामगढ़ ताल स्थित समूचे नौकायन क्षेत्र व ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। इसके साथ ही यहां देशभक्ति के माहौल को परवान चढ़ाने के लिए एयरफोर्स बैंड को भी आमंत्रित किया गया है। इस दौरान सांस्कृतिक कर्मियों की अलग अलग टोलियां देशभक्ति परक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां करती रहेगी।